सबका फिर स्वागत है। तो आज निकली है हजारीबाग में शोभा यात्रा। हमारे हजारीबाग के मामले में जो है वो इंटरनेशनल है। उसी का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई है। चलिए पूरा शोभा यात्रा को दिखाते हैं हम अपने हजारीबाग से। तो हम थोड़ा आज लेट हो गए हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, बट कोई नहीं, चलिए आपको शोभा यात्रा दिखाते हैं किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है हजारीबाग में। और देखिए माताएं बहनें पूरा झूम रही है और इस देवी की जैसा दहाड़ भी रही है। प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर लीजिए, ऐसा मानिए कि आप भी शोभा यात्रा में शामिल हो चुके हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे हजारीबाग शहर की रामनवमी की 100 सालों का इतिहास है जो हर साल दर साल हमेशा और भी ज़्यादा विख्यात होते जा रही है। लोग जो हैं वो बाहर से देखने के लिए हमारे हजारीबाग की रामनवमी पहुंच रहे हैं, तो इस वर्ष ज़रूर पहुंचे। इस बार तो और भी ज़्यादा राम भक्तों में जोश है और बहुत ही भव्य तरीके इस बार रामनवमी मनाई जाने वाली है हमारे हजारीबाग शहर में। तो आप देश के किसी भी कोने में किसी भी शहर से हो, इस बार की रामनवमी हमारे हजारीबाग शहर में मनाइए। वो भी सनातन धर्म की शेरनियाँ देखिए घोड़े पे सवार, इन्फिंट की बाइकों पे सवार होकर के शोभा यात्रा को और भी ज़्यादा शोभा बढ़ाती है। शोभा यात्रा में आप देखेंगे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, लेडीज हो, ये सब के सब एकदम राम की भक्ति में झूम उठे हैं। और इस शोभा यात्रा को सनराइज ग्रुप के द्वारा इस ढोल को लाया गया है जो एकदम बेहतरीन तरीके से ढोल बजा रहे हैं। ऐसा ढोल बजा रहे हैं कि ऐसा कोई भी राम भक्त नहीं है जो झूम ना रहा हो। तो आप भी झूमिए राम की भक्ति में। बाकी हर साल यहाँ कुछ नया आता है, जैसे नेक्स्ट ईयर आया था महाराष्ट्रीयन ढोल, इस बार कौन सा ढोल है, बट इस बार भी ज़बरदस्त है। तो ये नज़ारा है हजारीबाग की रामनवमी का, एक झलक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है पंचमी से। और अगर राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी हजारीबाग की रामनवमी में खास आप देखेंगे सभी के हाथों में लाठी, तलवार, हॉकी, ये सब कुछ लेकर के निकल पड़ते हैं और राम की भक्ति में झूम उठते हैं। और ये देखिए क्या जोश के साथ तलवार को भाजा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया तलवार भाजना आना चाहिए, तो आप हजारीबाग पहुंच जाइए भाई इस बार की रामनवमी में, बहुत मज़ा आने वाला है। अंकल जी को भाजने के बाद देखिए बच्चे पहुँच गए। ये राम की भक्ति का ही अलग ही जोश है जो आपको हजारीबाग की रामनवमी में देखने को मिलती है। इस शोभा यात्रा में देखिए झांकी के रूप में तीर धनुष लाए हुए हैं प्रभु श्री राम के, जिसमें राम राम दिखे हुए हैं। Thank you.
हजारीबाग किलोमी इंटरनेशनल है वो, इसीलिए गाना बना है कि रियली में यहाँ का इंटरनेशनल रामनवमी है ना। स्टार्ट हो चुका है रामनवमी का, मंगलवार को मंगला जुलूस तो निकालता ही है, लेकिन जब नवरात्रा स्टार्ट होती है पंचमी से शोभा यात्रा स्टार्ट होती है और सभी कार्यक्रम यहाँ से होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप हजारीबाग का ये नज़ारा देख सकते हैं, अयोध्या में ऐसा नज़ारा है या फिर नहीं, बट हमारे हजारीबाग शहर का नज़ारा एकदम भगवामय है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये हजारीबाग झंडा चौक का है, जो सभी वेट कर रहे हैं जुलूस आने का, क्योंकि झंडा चौक होते हुए बड़ा अखाड़ा होते हुए ये पहुंचती है, गोटली चौक होते हुए फिर से झंडा चौक पहुंचती है। तो देखिए ये आ रही है शोभा यात्रा, बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है हजारीबाग की इस वर्ष की रामनवमी में। हर साल तो ऐसा यहाँ पे होता ही है, बट इस वर्ष राम भक्तों में और भी ज्यादा जोश है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला जो है जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, और वो असर हमारे हजारीबाग शहर में दिख रहा है। पूरा जनसैलाब की जैसा पूरा भगवा में हो चुका है हमारा शहर हजारीबाग। और ये आपने देखा आज का ब्लॉग शोभा यात्रा का, जो कि हजारीबाग में निकली हुई थी। इससे और भी बेहतरीन झांकियां आपको देखने को मिलेगी जब हमारे हजारीबाग में एकादशी के दिन जब जुलूस निकलेगी तब। ये तो सिर्फ एक झलक है जो तैयारी चल रही है राम भक्तों के द्वारा हजारीबाग को और भी ज़्यादा खास बनाने का, क्योंकि हमारे हजारीबाग शहर का जो रामनवमी है वो विश्व विख्यात रामनवमी है, इंटरनेशनल रामनवमी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।